स्कूल के बाद बैचलर्स कर करियर की पहली सीढ़ी चढ़ना हो या फिर मास्टर की डिग्री कर अपने प्रोफेशन का मास्टर बनना हो, हम सब अपने ड्रीम कॉलेज को चुनने में काफ़ी समय और एफर्ट लगाते हैं। एडमिशन शुरू होने वाले हैं और आप में से कई सारे फ्यूचर ओरिएंटेड छात्र अपने लिए ड्रीम कॉलेज खोज रहे होंगे। तो चलिए आपके बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट करने के प्रोसेस को थोड़ा सा आसान कर देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है फातिमा और आप देख रहे हैं रंगरूट। आज हम आपको बताएंगे देश के सबसे टॉप का कॉलेज कौन सा है, इंजीनियरिंग के लिए कौन सी IIT है, सबसे बढ़िया और किस मेडिकल कॉलेज से तैयार होते हैं सबसे बढ़िया डॉक्टर। साथ ही ये भी बताएंगे कि NIRF रैंकिंग क्या है, क्या होते हैं पैरामीटर और कैसे तय होती है कॉलेज की रैंकिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज NIRF रैंकिंग की घोषणा की है। NIRF का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसमें भारत सरकार देश भर के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की फ्रेमवर्क के आधार पर रैंक तय करती है, यानी हमें ये बताती है कि पढ़ाई के लिए देश के टॉप इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं। नजर डालते हैं NIRF रैंकिंग पर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास को देश भर के संस्थानों की ओवरऑल रैंकिंग में पहली जगह मिली है। पिछले साल यानी 2021 की रैंकिंग में भी IIT मद्रास को पहला स्थान मिला था। IIT मद्रास में 92 तरह के कोर्स पढ़ाए जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू वाले कोर्स में एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे कोर्स शामिल हैं। दूसरे स्थान पर है IISc बेंगलोर। IISc बेंगलोर पिछले साल भी दूसरे स्थान पर था। तीसरे स्थान पर IIT बॉम्बे, चौथे स्थान पर IIT दिल्ली, पांचवें स्थान पर IIT कानपुर, छठे पर IIT खड़गपुर, सातवें पर IIT रुड़की, आठवें स्थान पर IIT गुवाहाटी, नौवें स्थान पर एम्स दिल्ली और दसवें स्थान पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU दिल्ली है। कैटेगरी वाइज बात करें तो IIT मद्रास इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIM अहमदाबाद, मैनेजमेंट कैटेगरी में IIS बेंगलोर, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में मिरांडा हाउस, कॉलेज कैटेगरी में टॉप पर है। आखिर ये NIRF है क्या? साल 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2016 से पहले देश में प्राइवेट एजेंसीज या मीडिया द्वारा ही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की रैंक तय की जाती थी। अब जब बात यहाँ तक आई है तो ये भी बता देते हैं कि इसके शुरू होने के पीछे की कहानी क्या है। इसकी शुरुआत होती है ग्लोबल रैंकिंग से। अब तक हम खबरों में ये पढ़ते आए हैं कि भारत का कोई भी इंस्टीट्यूट दुनिया के टॉप 200 या टॉप 300 में नहीं है। फिर वो बात चाहे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की हो या टाइम्स हायर एजुकेशन की। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जाती है वो ये है कि एजेंसी द्वारा रैंकिंग तैयार करने में जो क्राइटेरिया अपनाया जाता है वो चुनिंदा लोगों के परसेप्शन पर आधारित होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए साल 2015 में भारत सरकार ने तय किया कि वो अपने संस्थानों की रैंकिंग खुद तय करेगा और ये रैंकिंग भारतीय संस्थानों के लिए उपयुक्त पैरामीटर्स पर तय की जाएगी। ठीक इसी तरह से 2003 में चीन ने भी शंघाई रैंकिंग शुरू की थी। हालांकि NIRF और शंघाई रैंकिंग में अंतर ये है कि शंघाई रैंकिंग में दुनिया भर के 500 संस्थान शामिल होते हैं जबकि NIRF में केवल भारतीय संस्थान शामिल होते हैं। अब ये जान लेते हैं कि कैसे तय होती है रैंकिंग। रैंकिंग तय करने के लिए NIRF ने सीधे और सपाट नियम बना रखे हैं। कुछ पैरामीटर हैं, हर इंस्टीट्यूट को उन पैरामीटर्स पर परखा जाता है। जिसका जितना स्कोर बनता है उसी हिसाब से उसकी रैंकिंग तय की जाती है। इन पैरामीटर में सबसे पहले आता है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज यानी TLR। इसमें फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, फैकल्टी एक्सपीरियंस, फाइनलाइजेशन, रिसोर्सेज और उनका उपयोग जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। दूसरा है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। इसके अंतर्गत संस्थान को रिसर्च, पब्लिकेशन, मिलिट्रिक, IPR और पेटेंट के आधार पर परखा जाता है। तीसरा पैरामीटर है ग्रेजुएशन आउटकम्स। इसमें यूनिवर्सिटी के एग्जाम और PhD स्कॉलर्स की संख्या को देखा जाता है। चौथा पैरामीटर है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। इसमें देखा जाता है कि कितने छात्र दूसरे राज्यों से विदेश से पढ़ने के लिए आए हैं, कैंपस में महिलाओं की कितनी भागीदारी है, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े छात्रों की क्या संख्या है, शारीरिक रूप से असक्षम छात्रों के लिए क्या व्यवस्था है।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा हमें बताएं, और हाँ आप अगले एपिसोड में क्या देखना चाहेंगे ये भी। सुझाव और सवाल दोनों हमें लिख भेजें rangroot@lallantop.com पर। नमस्कार।